So next topic is transportation. Transportation scoring इसलिए है क्योंकि इसमें syllabus out of syllabus बहुत कम आता है, maximum जो syllabus में given है और जो हम पढ़ेंगे उसी के अराउंड आसपास आता है. तो इसमें बेसिकली हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो geometric design of road और एक पढ़ेंगे थोड़ी सी इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग या ट्रैफिक इंजीनियरिंग. ओके, जिसमें थोड़े से न्यूमेरिकल्स होते हैं वो, और जो थ्योरी होगी कुछ रेस्ट जो थ्योरी रह जाएगी उसके मैं क्लिप्स या नोट्स अटैच कर दूंगा, वो स्टडी कर लेना. बस ट्रांसपोर्टेशन में इससे ज़्यादा एक्सटेंट कुछ नहीं आता. तो हम स्टडी करते हैं, स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रोड्स. सो फर्स्ट इंडिया में जो मीटिंग हुई थी रोड की कंसिडर में, सबसे पहली मीटिंग हुई थी, यू कैन से फर्स्ट मीटिंग इन इंडिया, इट्स नागपुर रोड कांग्रेस जो हुई थी 1943 में. ठीक है, सो जिसमें रोड की डेफिनेशन एंड समथिंग समथिंग लिखा हुआ है, मीन्स रोड की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू देम इज इट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स और गुड्स और एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है ना, थ्रू व्हीकल और थ्रू एनीथिंग. तो इसमें रोड को उन्होंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज नेशनल हाईवेज, उसके बाद स्टेट हाईवेज, देन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड. तो नेशनल हाईवे क्या है, नेशनल हाईवे कनेक्टिंग स्टेट टू स्टेट, स्टेट हाईवेज डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड मीन्स इम्पोर्टेंट लोकेशंस इन डिस्ट्रिक्ट्स. अदर डिस्ट्रिक्ट रोड मीन्स अदर लोकेशन इन डिस्ट्रिक्ट एंड कनेक्टिंग विलेजेस, विलेज. ओके, इसमें एक और थोड़ी सी चीज़ है, एक होता है माइलस्टोन, जो आपने देखा ही होगा जितने भी हाईवेज या रोड, मैक्सिमम इंडिया में तो नेशनल हाईवे पे ही देखे होंगे. एक माइलस्टोन लगा होता है जिस पे लिखा होता है कि ये बद्रपुर इतना दूर, उसके किलोमीटर्स नीचे किलोमीटर्स या ऊपर किलोमीटर्स लिखे होते हैं, उस एरिया का नाम लिखा होता है और उसको यहाँ से कलर किया होता है. ठीक है, नीचे वाइट होता है, ऊपर कोई सा कलर किया होता है उन्होंने. तो वो कलर क्या होता है, नेशनल हाईवे का कलर होता है हमेशा, ये तो आपने देखा ही होगा, दैट इज़ येलो. स्टेट हाईवे का होता है ग्रीन, देन ब्लू और ब्लैक, इनमें से कोई सा भी हो सकता है. ठीक है ना, ये इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ये दो इम्पोर्टेंट है और एक ये येलो ग्रीन और ऑरेंज. सो जो ये कलर होता है वो येलो होता है नेशनल हाईवे में, बाकी में ग्रीन ऑरेंज. ठीक है, अब हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट क्रॉस सेक्शन. ऑफ रोड, तो सबसे पहले हमारा जो क्रॉस सेक्शन में आता है, मीन्स इफ दिस इज अ सेंट्रल लाइन, तो सबसे
क्रॉस सेक्शन में आते हैं, दिस एरिया इज नोन एज कैरिज वे, क्रेस्ट और पेवमेंट। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड। अभी पूरा कंप्लीट करो, मान लो ये कुछ इतना बड़ा जाएगा। सबसे पहले जहाँ पे व्हीकल, इनकी डेफिनेशंस भी मैं अभी बताऊँगा। उसके बाद आते हैं ये ऐसे, ये ऐसे सिमिलर होते हैं दोनों। देन दिस दिस आफ्टर दिस दिस, ये पॉइंट्स जो जो मैं लगा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज होगी। इसके बाद ओके, तो यहाँ से यहाँ तक कैरिज वे, देन उसके बाद शोल्डर दोनों साइड, देन दिस इज नोन एज साइड स्लोप, साइड स्लोप और एम्बैंकमेंट। देन दिस एरिया इज बर्म, दिस इज ड्रेन, साइड ड्रेन या ड्रेन। ओके सो कैरिज वे प्लस शोल्डर मीन्स यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मिलके बनाते हैं रोड वे विड्थ। या फॉर्मेशन विड्थ। ओके रेस्ट रह जाता है आपका रोड मार्जिन। सेम यहाँ तक ओके रोड मार्जिन, पूरी रोड कहलाती है वाली रोड लैंड विड्थ या रोड विड्थ या राइट ऑफ वे, इसको ROW भी कहते हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है रोड रोड का ही। यू कैन इसको, इस लाइन को कहते हैं रोड लैंड बाउंड्री। फिर आती है हमारी बिल्डिंग लाइन, देन कम्स कंट्रोल लाइन। ओके सो रोड लैंड बाउंड्री के बीच में जो भी एरिया रहता है दैट इज रोड लैंड विथ राइट ऑफ द वे। ओके देन अब स्टडी करते हैं कि क्या क्या है ये सब कुछ। सबसे पहले आता है हमारा कैरिज वे। कैरिज वे पेवमेंट क्रस्ट सेम नेम, बेसिकली इट्स द पोर्शन ऑफ द रोड कंस्ट्रक्टेड फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल। व्हीकल अलाउ होते हैं इस पे चलने के लिए सिर्फ, इनसे क्रॉस सेक्शन है। उफ दिस इज शीशा, ओके दिस इज डिक्की, समझ गए क्रॉस सेक्शन क्या है। दिस इज अलाउ ओनली फॉर कैरिज वे, इज अलाउ ओनली फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकल। शोल्डर वोल्डर में आप मूवमेंट ऑफ व्हीकल अलाउ नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू IRC इंडियन रोड कांग्रेस, कैरिज वे को रोड को क्लासिफाई किया गया कुछ, मतलब क्लासिफाई नहीं, एक्चुअली जो कैरिज वे है, ये जो कैरिज वे की विड्थ है
ये कुछ फिक्स की गई है कि पर लेन के लिए कितनी चाहिए होती है। सो यहाँ पे विड्थ ऑफ कैरिज वे लिख लेते हैं, एंड यहाँ पे रोड या टाइप लिख सकते हैं। सो इफ यू आर डेवलपिंग अ सिंगल लेन, मीन्स अगर आप वन लेन बना रहे हो तो उसके लिए कैरिज वे की विड्थ होती है 3.75 मीटर, ठीक है। एंड इफ यू आर सिंगल लेन हो गया, इफ यू आर मेकिंग टू लेन, ओके, टू लेन में दो होता है, एक तो विदाउट कर्व, एक मीन्स विद कर्व मान लो, एक विदाउट कर्व मान लो, टू लेन। सो विदाउट कर्व होता है 7, एंड विद कर्व इसका डबल, मतलब इनटू में टू करेंगे तो 7.5, ठीक है। देन इसके बाद होता है मल्टी लेन, मीन्स जैसे आपके हाईवे बनते हैं उसमें क्या होता है कि जो वाइट पट्टीज लगी होती हैं, जो डिवीज़न होता है उस डिवीज़न की लाइन विड्थ कितनी होती है, दैट इज़ मल्टी लेन। कि अगर आप मल्टी लेन बनाना चाहे तो हर उसकी विड्थ कितनी देनी होगी, तब आपको लेनी पड़ेगी 3.5 मीटर पर लेन। जितने नंबर ऑफ लेन, जैसे 3 नंबर ऑफ लेन बनानी है हाईवे को, तो 3 इंटू में 5, वो 3 इंटू में 3.5, तो इतनी विड्थ आपको चाहिए 3 मल्टी लेन हाईवे बनाने के लिए। सो मल्टी लेन 3.5 मीटर पर लेन, ये इम्पोर्टेंट भी है, कई बार आपको काम आएगा। देन मल्टी, सॉरी, देन मल्टी हो गया इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कैरिज लेन या रोड वहाँ पे बनती है, इसकी विड्थ होती है 5.5 मीटर, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, जैसे विलेज रोड या ये अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड जनरली 5.5 मीटर में कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। और 5.5 मीटर इज इनफ फॉर टू टाइप ऑफ फ्लो, देन वी वी यूज मल्टी लेन। ओके, देन कैर आफ्टर कैरिज वे विल कम टूअर्ड्स द शोल्डर। सो शोल्डर इज अ पार्ट ऑफ रोड जहाँ पे मीन्स जो एक तो इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि क्रेस्ट के एंड पे और साइड स्लोप या एम्बैंकमेंट के टॉप से के बीच का जो एरी वो सेक्शन है, दैट इज़ ऑन द शोल्डर, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन कि आउटर एज ऑफ पेमेंट, पेमेंट क्रेस्ट या कैरिज वे एंड टॉप ऑफ साइड स्लोप, ठीक है। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इज कि इट एक्ट एज अ सर्वाइवल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ व्हीकल, कि आपका व्हीकल ख़राब हो गया तो आप इधर लाके उसको ठीक कर सकते हो, मीन्स पंचर वेंचर हो गया तो आप बीच रास्ते में नहीं शोल्डर पे लगा कर उसको ठीक करोगे। सो सर्विस लेन फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ व्हीकल, फॉर ब्रेक डाउन व्हीकल, देन इट आल्सो एक्ट एज अ पार्किंग, कि आपको कहीं जाना है या किसी का वेट करना है तो आप यहाँ पार्क ना करने के बजाय यहाँ पार्क करें। आल्सो एक्ट एज पार्किंग लेन, पार्किंग लेन तो नहीं बट इट एक्ट एज अ पार्किंग स्पेस प्लेस इन केस ऑफ एमरजेंसी। देन थर्ड इज प्रोवाइड लेटरल स्टेबिलिटी टू कैरिज वे, कि इन फ्यूचर इफ यू हैव टू इंक्रीज द रोड साइज और हमारे पास बीच में दैट इज नोन एज मीडियन उसमें स्पेस नहीं है, तो हम शोल्डर को इसमें ले लेते हैं। तो शोल्डर में ये तीन इम्पोर्टेंट है। देन आता है हमारा रोडवे विड्थ। रोडवे विड्थ इज बेसिकली यही एडिशन ऑफ शोल्डर प्लस कैरिज वे, सो टू शोल्डर प्लस कैरिज वे,
that is known as roadway width. Then right of the way is same. Then road margin means ये सब कुछ आप ये diagram important याद रख लेना, उससे आपको सब theorem theory निकल आएगी, ठीक है. Then berm, एक berm और देख लो, berm और spoil bank is a place या space कि जब ये drain खुद रही होती है या इसमें मिट्टी फंस गई तो इसकी मिट्टी कहाँ रखेंगे, तो इसकी मिट्टी यहाँ पे रखते हैं, दैट इज नोन एज बर्म या स्पॉइल बैंक. इट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर फॉर द एक्सकेवेटेड जो भी पार्ट होगा इसका वो यहाँ पे रखने के लिए, तो उसको हम बर्म और स्पॉइल बैंक कहते हैं, ठीक है. देन मीडियन, मीडियन इज बेसिकली कि एक अप डाउन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, सॉरी ये अप डाउन को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो स्पेस हम छोड़ते हैं ग्रीन या पैसेंजर के लिए भी कई बार यूज़ होता है पेडेस्ट्रियन के लिए, उसको मीडियन कहते हैं. सो मीडियन इज़ अ सेंट्रल रिजर्वेशन. इसको छोड़ने के दो रीज़न है, एक तो कभी रोड एक्सटेंड करनी है तो ईजिली एक्सटेंड हो सके, ठीक है. दूसरा तो ग्रीनरी और जो भी रीज़न दे सकते हैं. सेंट्रल रिजर्वेशन फॉर अप टू सेपरेट अपोजिट लेन, ओके. देन आती है हमारे पास बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन एंड रोड लैंड बाउंड्री, ये तीनों क्या हैं. तो रोड लैंड बाउंड्रीज की ये हो गया आपका रोड ख़त्म, मतलब ये ड्रेन जो भी मान लो, ये आपका सेटबैक एरिया, यहाँ पे आपकी बिल्डिंग फ्लोर, तो जो फ्लोर ये पैरापेट वॉल. सो दिस लाइन इज नोन एज रोड लैंड बाउंड्री, दिस लाइन इज नोन एज बिल्डिंग लाइन. सो बिल्डिंग लाइन इज द डिस्टेंस मीन्स इसके बीच में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ये सेटबैक्स जो आपने पढ़े ही होंगे कि इनके बीच में हम कंस्ट्रक्शन, सीढ़ी के बीच में हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो बिल्डिंग लाइन से पहले आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना. और ये क्यों बनाई जाती है सेटबैक्स, ताकि कभी फ्यूचर में हमें रोड एक्सटेंड करनी हो और बीच में स्पेस नहीं है तो हम ये डिमोलिश करके रोड यहाँ तक एक्सटेंड कर सकें, तो इसलिए सेटबैक्स दिए जाते हैं या बिल्डिंग लाइन होती है. और दूसरा ये है कि मतलब गाड़ियाँ पे चल रही है तो इनका शोर भी घरों में ना जाए, इसलिए ये स्पेस दिए मांगा जाता है नॉइस पोल्यूशन से बचने के लिए. एंड और एक्सीडेंट के केस भी थोड़े कम हो जाते हैं कि आप बिल्डिंग से निकलते ही रोड होगी तो एक्सीडेंट के केस ज़्यादा होंगे. आप बिल्डिंग से निकलोगे देन सेटबैक पे आओगे, फिर आप मेन गेट से देख लोगे कि एक्सीडेंट हो सकता है या नहीं. दैट इज रोड लाइन बिल्डिंग लाइन. देन व्हाट इज द कंट्रोल लाइन. कंट्रोल लाइन बेसिकली यूज होती है हॉस्पिटल्स में या फैक्ट्री थिएटर, मतलब वो एरियाज जहाँ पे बहुत सारे पीपल गैदर हो सकते हैं, ठीक है ना. तो जब ये एक साथ पीपल निकलेंगे तो ट्रैफिक में डिस्टरबेंस भी ज़्यादा होगी एकदम से, तो इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा वो लेकर ये बनाए जाते हैं हॉस्पिटल्स थिएटर्स, ठीक है ना. एक तो नॉइस पोल्यूशन से दूर ही रहे जितना ज़्यादा हो सके ये हॉस्पिटल थिएटर, दैट इज़ कंट्रोल लाइन. फैक्ट्री थिएटर, ठीक है, एक्सीडेंट चांस ऑफ एक्सीडेंट भी कम हो जाता है इससे. सो जस्ट ये सारी टर्मिनोलॉजीज थी, ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैम्बर, कैम्बर और कैंट, ठीक है. कैम्बर और कैंट स्लोप है, और इसी के साथ मैं लिख ही देता हूँ ग्रेडियंट ताकि कंफ्यूजन ना हो.
ग्रेडियंट भी स्लोप है। तो कैम्बर और कैंट क्या है? कैम्बर और कैंट ये आपकी रोड है, मान लो ये रोड जा रही है। तो एक क्रॉस सेक्शन जब मैं ऐसे काटता हूँ, ये आप ये डाउन, तो ये हो गया आपका रोड, आपकी ऐसी होगी। ये तो ज़्यादा कर दिया, सपोज दिस इज। और एक क्रॉस सेक्शन अगर मैं लॉन्ग, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इसमें गाड़ी ऐसे है, इसमें गाड़ी एक दो टायर दिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज कैम्बर, कैम्बर इज कैम्बर कैन, जो स्लोप हम क्रॉस सेक्शन में देते हैं दैट इज नोन एज कैम्बर, ठीक है। क्यों देते हैं? ताकि जो बारिश गिरे वो साइड की ड्रेन्स में चला जाए, या साइड में जो पेमेंट है उससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होकर ग्राउंड में चला जाए। दिस इज कैम्बर एंड कैंट प्रोवाइडेड, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल हैवी रेन हो तो हम देते हैं 2% का कैम्बर। 2% का स्लोप का मतलब क्या है? 2/100, 1/50 मीन्स इफ ये अगर 50 मीटर लंबी रोड है तो 1 मीटर हमें उठाना पड़ेगा, ठीक है। या 50 के लिए अगर 1 मीटर चाहिए तो हम अगर 3 या 10 मीटर की लेन, मान लो कि 3-3 मीटर की लेन बना रहे हैं, तो 3.5 के हिसाब से 3, मान लो ये अराउंड 10 आ गया, तो 10 के लिए हमें कितना उठाना पड़ेगा? 1/15 × 10, 1/5.2 मीटर, सही कैसे 20 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर 1000 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो दैट इज 20 सेंटीमीटर। सो फॉर 10 मीटर रोड के लिए हमें 20 सेंटीमीटर इसको उठाना पड़ेगा। दिस इज नोन एज कैम्बर एंड कैंट, दैट इज क्रॉस सेक्शनल स्लोप। ग्रेडियंट होता है स्लोप अलोंग द रोड, अलोंग द रोड। इसके चार टाइप होते हैं, दैट इज रूलिंग, लिमिटिंग, एक्सेप्शनल एंड मिनिमम, ठीक है ना। इनके नाम से डिफाइन है कि रूलिंग रूल जब करना हो, लिमिटिंग कि इससे ज़्यादा मत बढ़ाना, एक्सेप्शन के कुछ केसों में हमें ये देखना पड़ता है, ये देखेंगे एक्सेप्शन किस केस में, मिनिमम इससे कम नहीं रख सकते, ठीक है। बेसिकली ये देते ही क्यों हम, क्योंकि एक तो हमने दे दिया ड्रेन के लिए, पानी के लिए स्लोप, ये वाला स्लोप हम इसलिए देते हैं कि कई बार हम साइड में ड्रेन जो होती हैं वो कम होती है, तो जो बीच में सीवर्स होते हैं उनकी साइड में भी ड्रेन होती है, वो छोटी छोटी ड्रेन देखी होंगी, तो ताकि पानी यहाँ से यहाँ जा सके, पानी का फ्लो, पानी एक जगह खड़ा ना रहे, पानी का फ्लो चलता रहे, तो इसलिए हम ये स्लोप देते हैं। ओके, सो सपोज दिस इज अ क्रॉस सेक्शन, दिस इज फॉर ड्रेन, दिस इज ग्रेडियंट, ओके। सो नेक्स्ट टर्म इज क्रीपर लेन। क्रीपर लेन क्या होती है? लाइक इन द अपहिल क्लाइंब, मीन्स जब भी एक लेन बहुत लंबी होती है पहाड़ों में, एक हाईवे बहुत लंबा होता है, ठीक है, अप एंड डाउन, तो एक क्या करते हैं उसके साथ एक हल्की सी एक एक्स्ट्रा लेन प्रोवाइड कर देते हैं, जो जिस पे स्लो मूविंग व्हीकल, जो वहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं लोकल एरिया, वो उस पे चलाते हैं, जो स्लो मूविंग व्हीकल होते हैं वो इस पे चलाते हैं,
और जिनको एकदम फास्ट आगे पीछे जा, मतलब जो 100 150 पे चलाते हैं वो उनकी ये लेन होती है, उनका रोड होता है, और एक्स्ट्रा जो लेन बनाते हैं दैट इज़ नोन एज स्क्रीपर लेन। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, एडिशनल लेन टू अलाउ टू और एडिशनल लेन विच इज़ अलाउ टू फॉर द स्लो व्हीकल टू रिमूव फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, मीन्स इफ दिस इज़ द मेन स्ट्रीम तो इससे अलग जो व्हीकल चलें स्लो डैश उस लेन को क्रीपर लेन कहते हैं। ओके सो ये स्लो लेन 3.75 भी हो सकती है और 5.5 भी हो सकती है। देन आता है हमारे पास ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है, ये जो हम ग्रेडियंट देते हैं, ये जो हम ग्रेडियंट देते हैं उसकी बात हो रही है कि जब जब हमारी सरफेस स्ट्रेट होती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका सर्कुलर आ जाता है और वो भी स्लोप में, तो हम उस स्लोप को ग्रेड को कम कर देते हैं। मतलब जब आप पहाड़ी पे ऐसे ऐसे जा रहे होते हो तो यहाँ पे हम इस स्लोप को कम कर देते हैं, इतना हाई स्लोप नहीं देते जितना यहाँ पे चल रहा होता है स्लोप, तो उसको कहते हैं ग्रेड कंपनसेशन। तो उसमें तीन चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, तीन पॉइंट नोट कर लीजिए ग्रेड कंपनसेशन में, इसके बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं कि अगर मीन्स ग्रेड कंपनसेशन इज़ नॉट रिक्वायर, ये वहाँ पे जरूरत नहीं होती, व्हेन द स्लोप इज लेस देन 4%, तो वहाँ पे हमें कम करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा इट इज ग्रेड कंपनसेशन होता कितना है, इट इज 30 प्लस R/R%, इसमें R इज द रेडियस, ठीक है। थर्ड इज मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन इज 75 बाय R%, मैक्सिमम इतना ग्रेड कंपनसेशन कर सकते हैं हम, ठीक है। ओके तो इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन इज इफ इफ ग्रेडियंट इज गिवन, मीन सिंपल सा, इफ ग्रेडियंट इज गिवन 5%, सो व्हाट इज द ग्रेडियंट प्रोवाइडेड ऑन अ कर्व ऑफ 500 मीटर रेडियाई, सो व्हाट विल बी द ग्रेडियंट ओवर अ कर्व ऑफ 500 मीटर रेडियाई। 5% दे रखा है तो फर्स्ट सेटिस्फाई होती है, 4% से ज़्यादा है तो हमें इसे कम करना ही होगा, तो पहले इससे निकालते हैं 30 प्लस 500 अपॉन 500, दैट इज 530 अपॉन 500, एंड दिस विल बी अराउंड 505.06%, क्योंकि ये 0 भी तो आएगी, ठीक है। देन आता है मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम, 75/5, दिस विल बी 11.15%, जो मैक्सिमम हम इतना कम कर सकते हैं इतना, और इतना हमारे पास आ रखा है तो मैक्सिमम तो हम इतना ही कम कर सकते हैं, तो दैट इज़ 5 माइनस 0.15, 4.85%, दिस इज द ग्रेट कंपनसेशन ग्रेट आफ्टर दिस इज द ग्रेडियंट आफ्टर कंपनसेशन द ग्रेड, ठीक है ना। मतलब है ये अभी भी 4 से ज़्यादा, बट स्टिल यही आंसर है। एक क्वेश्चन है कि इफ रूलिंग ग्रेडियंट इज 3%, इफ रेडियंट इज गिवन, ग्रेडियंट इज गिवन 3%, देन दे एम आस्किंग ग्रेडियंट ओवर कर्व,
इसमें तो और करो 300 मीटर, इसमें क्या है, इसमें 3% है, 4% से कम है, तो इसको और कम करने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी फाइन। ठीक है, दैट इज ग्रेट कंपनसेशन। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक समित कर्व और वैली कर्व। समित कर्व वैली कर्व, तो सबसे पहले समित कर्व देखते हैं। समित कर्व क्या है, समित कर्व में मतलब दोनों में चार चार पॉइंट याद रखने हैं, चार टाइप के होते हैं दोनों। ठीक है, सो समिट कर्व मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। जब आपकी गाड़ी ये क्रॉस वो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है ना, यूं गई और यूं, मतलब जब जब ये इस टाइप का बनेगा दैट इज समिट, और जब ये वैली बनेगी मीन्स गाड़ी आपकी ऐसे आ रही है, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो वैली कर्व बनता है, दैट इज नोन एज वैली कर्व। तो इसमें होता क्या है, व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट मीन्स पॉजिटिव ग्रेडियंट, ढंग से दिखा देता हूँ मैं बाद में। समय कर इसको समझ लेना कैसे बना रहा हूँ मैं। व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ये पीछे वाला ही है, मीट पॉजिटिव ग्रेडियंट, ठीक है, मतलब पॉजिटिव स्लोप मीन पॉजिटिव स्लोप, स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव के अर्थ से आते हुए, जब ये स्लोप तो पॉजिटिव है यहाँ तक 90 तक, क्योंकि 90 प्लस थीटा विल बी नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, यहाँ तक इसके अंदर अंदर जो आएगा 90 प्लस थीटा इज नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन हमने पढ़ी रखे हैं, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। एक मिनट, यहाँ पे ये तो यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, तो 90 प्लस सीधा माइनस ये, तो पॉजिटिव ग्रेडियंट मीन मीट पॉजिटिव ग्रेडियंट। ये कैसे होगा कि एक तो पॉजिटिव ग्रेडियंट ऊपर से दूसरा भी पॉजिटिव ग्रेडियंट, मीन्स इसका अगर आप स्लोप देखोगे दिस इज 90 प्लस वो 90 माइनस वो थीटा 90 से कम है सो पॉजिटिव, और इसका भी अगर आप स्लोप देखोगे इसमें भी थीटा 90 से कम है तो पॉजिटिव। सो दोनों का अगर हम थीटा निकालें कितना थीटा होगा, तो टोटल थीटा विल बी दिस थीटा प्लस दिस थीटा, ठीक है, सॉरी टोटल विल बी दिस थीटा माइनस दिस थीटा, है ना, तभी तो ये निकलेगा एक्स, ये वाला ये दिस टोटल थीटा यानी कि ये थीटा माइनस ये स्मॉल वाला थीटा, 1 माइनस 2 2 1, तो इसका टोटल एन होगा n1 माइनस n2, दिस इज द एक्स। पॉजिटिव ग्रेडियंट मीन पॉजिटिव ग्रेडियंट, इफ पॉजिटिव मीट फ्लैट, पॉजिटिव मीट फ्लैट, ये पॉजिटिव मीट फ्लैट, तो ये थीटा, तो ये टोटल थीटा क्या होगा, थीटा ही, सो एन यू कैन से कि ये थीटा तो जीरो ही हो गया, तो यू कैन से कि थीटा 1 इंटू थीटा 2 विल बी जीरो, एक तो ये इक्वेशन बनती है एंड एक्स या एन विल बी थीटा 1।
हीट ऑफ वन, हीट ऑफ वन, ठीक है, पॉजिटिव मीट फ्लैट, पॉजिटिव मीट नेगेटिव, मीन्स दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो ये हीट है, ये लीगा, ये तो हो गया पॉजिटिव, दिस इज 90 प्लस हीट है, तो इसलिए नेगेटिव है, तो इनका स्लोप क्या होगा, मतलब टोटल थीटा तो ये है हमारा, ठीक है ना, जो हमें बता, मतलब हम इनके बीच का टोटल थीटा बता रहे हैं हर किसी केस में, इन दोनों के बीच का टोटल थीटा ये है रह गया, इनके बीच का यही, इनके बीच का ये पूरा टोटल थीटा हो गया, टोटल पूरा थीटा होगा थीटा वन प्लस थीटा टू, इसको पूरा को थीटा टू दे दो, प्लस थीटा टू, तो याद रखना पॉजिटिव जो नेगेटिव से मिलेगा तभी एडिशन होगा, पॉजिटिव फ्लैट से मिलेगा तो ये है, पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलेगा तो दोनों का माइनस, और नेगेटिव नेगेटिव से मिलेगा तो भी दोनों का माइनस, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव से मिलेगा तो भी माइनस, नेगेटिव नेगेटिव ऐसा होगा, ठीक है ना, तो भी माइनस का साइन, थीटा वन माइनस थीटा टू, ये तो दिस इज समिट कर्व, वैली कर्व भी सेम होते हैं, सेम फॉर्मूले दोनों के, बस उसमें वैली बनती है, जैसे इसमें तो समिट बन रहा है ना, उसमें वैली बनती है, ये ऐसा कुछ बनेगा, मीन्स देख लो इसमें, इनमें कहीं भी वैली नहीं बनी होगी, ये भी वैली नहीं है, ऊपर उठा हुआ है, उठा हुआ है, उठा हुआ है, ठीक है, इसमें सब में वैली बनेगा, कि एक तो नेगेटिव माइनस, नेगेटिव नेगेटिव प्लस फ्लैट ऐसे हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना, ये कैसे, ये चार बनते हैं, फॉर्मूले सेम है, तो इसमें ज़्यादा डीप भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा इसमें डीप में नहीं आता, ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू दिस साइड डिस्टेंस, ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, साइड डिस्टेंस इज द डिस्टेंस, मतलब ये वो डिस्टेंस है जो गाड़ी चलाते वक्त आपको दिख जाए, जब आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो किसी स्पीड पे, तो उस कितने डिस्टेंस पहले आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिख जाए ताकि आप उसको, ताकि आप अपनी गाड़ी रोक सको, और स्पीड जो है वो आपकी वही होगी जो डिज़ाइन होती है, स्पीड हाईवे की स्पीड जैसे फिक्स होती है ना, लिखा होता है 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, वो तो दैट डिस्टेंस इज नोन एज साइड डिस्टेंस, तो इसमें चार चीज़ें बस हल्के हल्का सा देखेंगे, SSD, ISD, OSD एंड HSD. SSD means stopping sight distance. ISD is intermediate sight distance. OSD is overtaking sight distance. And HSD is headlight sight distance. तो सबसे पहले देखते हैं SSD, stopping sight distance. Stopping sight distance is the minimum distance available on road at any spot having sufficient length to enable the driver to stop the vehicle before collision. ठीक है ना, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड साइड डिस्टेंस बेसिकली सेम डेफिनेशन है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि SSD क्या होगा, एक तो लैग डिस्टेंस, ये मैं बताता हूँ क्या है,
plus break distance. क्या होगा जब आपकी गाड़ी चल रही है, तो आप यहाँ बैठे हो, एक आपने मान लो आपने देखा इस रैबिट को, तो अब आप ब्रेक की तरफ पैर ले जाने लगोगे। उससे पहले आप सोचोगे कि अब मुझे ब्रेक मारनी है, तो वो जो सोचने का टाइम मतलब मीन्स थिंकिंग प्रोसेस प्लस ब्रेक की तरफ तक पैर ले जाने का टाइम, उस टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस कवर हो चुका होगा, दिस डिस्टेंस इज नोन एज लैग डिस्टेंस। क्योंकि ब्रेक तो अब आपकी अब लगनी शुरू होगी यहाँ से, यहाँ तो आपने देखा, यहाँ से आपकी ब्रेक लगनी शुरू होगी, ठीक है ना। लेकिन इतना डिस्टेंस तो कवर हो गया, दैट डिस्टेंस इज नोन एज लैग डिस्टेंस, उसके बाद ब्रेक डिस्टेंस। तो सिंपल से फॉर्मूला है वी इंटू टी वी स्क्वेयर अपॉन टू जी एफ। वी इंटू टी इज वेलोसिटी मीन्स जितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है, टी इज द टाइम मीन्स रिएक्शन टाइम, टी इज रिएक्शन टाइम, जितना इंसान ने सोचने का रिएक्शन ले रहा है कि अब देखो और अब इतना रिएक्शन टाइम लगता है इंसान को ब्रेक तक पहुंचने के लिए, और रिएक्शन टाइम इज ऑलवेज 2.5 सेकंड। मीन्स वी टुक दिस, वी टेक दिस इन ट्रांसपोर्टेशन, रिएक्शन टाइम ऑफ ह्यूमन बींग इज 2.5 सेकंड, और बाकी वही है वी स्क्वेयर अपॉन टू जी एच। जी इज द ग्रेविटी एंड एफ इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस पर न्यूमेरिकल आज तक आया नहीं है, बट यू नेवर नो, ठीक है। बाकी आएगा तो सिंपल ही आएगा कि ये सब कुछ दे रखा हो और ये निकाल दो। तो दिस इज SSD, स्पीड मैक्सिमम डिज़ाइन होती है हाईवेज के लिए, वही स्पीड लेनी है क्वेश्चन में गिवन होगी। दिस इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज, इसमें बता देता हूँ, ISD इज इक्वल टू 2 into SSD। इसका 2 टाइम्स होता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। क्यों? इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, ठीक है, और दोनों ने एक दूसरे को देखा, तब उन्हें कितना डिस्टेंस चाहिए बिफोर कोलिजन वो रुक जाए, ठीक है। तो एक तो इसका SSD हो गया, एक इसका SSD हो गया, यहाँ पे आके रुक जाए। मीन्स मैं मानता हूँ इसने इसको यहाँ पे देख लिया, तो ये तो बहुत मीन्स इस कंसेप्ट को समझ लो कि हुआ कैसे, ये 2 into क्यों किया। मीन्स अकॉर्डिंग टू यू कि अगर इसने इसको देख लिया तो यहाँ रुक जाएगा, ये यहाँ पे रुक जाएगा। मतलब इस कंसेप्ट समझ लो यार खुद ही कि क्यों मैंने 2 into किया। ये वो भी तो हो सकता था कि अगर गाड़ी आपकी यहाँ पे है तो अभी तो रुक जाएंगे, लेकिन होगा क्या कि ये यहाँ पे रुकेगा, ये चलता रहेगा। भाई ये कंसेप्ट खुद समझ लो, मतलब थोड़ी देर समझोगे ना खुद समझ आ जाएगा कि 2 into क्यों किया, क्योंकि दोनों को टाइम लगेगा यहाँ तक आने में, ठीक है। सो ISD देन OSD होता है ओवरटेकिंग। इसका भी फॉर्मूला है लेकिन इसका फॉर्मूला आएगा नहीं क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा लंबा है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, बस मैं बता देता हूँ क्या होता क्या है कि एक ये आपकी गाड़ी, ये आपसे एक गाड़ी और एक ये गाड़ी, तो इसको ओवरटेक करना है इसको, तो एक तो ये डिस्टेंस और फिर ये भी इधर आ रही होगी, तो ये डिस्टेंस जो भी होगा यहाँ से यहाँ तक क्या, दैट इज़ नोन एज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। सो सेम ओवरटेकिंग के जैसा ही होता है हेडलाइट साइड डिस्टेंस की, उसको सामने वाले की हेडलाइट दिखी, ठीक है, हेडलाइट दिखी और वो अब हेडलाइट साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस में क्या, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस में ये कोई सी भी गाड़ी मतलब दोनों आमने सामने आके रुकेंगी, ये नहीं है कि ये गाड़ी इधर टर्न हो जाएगी,
इन सवालों, इसने इसको देखा तो ये थोड़ी सी इधर हो गई, लाइन चेंज कर ली, लेकिन हेडलाइट साइड डिस्टेंस में ये अपनी लाइन चेंज कर लेगी। तो उस कितनी पहले ये इसको देखे कि ये टकराने से पहले अपनी लाइन चेंज कर ले, तो दैट इज़ नोन एज हेडलाइट साइड डिस्टेंस। इसमें इतना ही पढ़ना है और डीपली जाने की जरूरत नहीं है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इजी था और आसान था, इसलिए मैंने इसको याद रख रखा था। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन हमारा आता है IRC के अकॉर्डिंग अर्बन रोड, अर्बन रोड को ये बोलो कि हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, आर्टीरियल, सब आर्टीरियल, कलेक्टर रोड एंड लोकल स्ट्रीट, ठीक है ना। लेवल ऑफ ट्रैफिक ऐसे ऐसे कम होता जाता है, लेवल ऑफ ट्रैफिक या ट्रांसपोर्टेशन डिक्रीजिंग, आर्टीरियल में सबसे ज़्यादा जाना ऐसे ऐसे कम होता जाता है। सो इनकी डेफिनेशंस इम्पोर्टेंट भी नहीं है, एक बार आप देख लें नेट पे, कुछ खास होती नहीं है। मतलब उसको से उसको कनेक्ट आर्टीरियल टू आर्टीरियल, लोकल मतलब बिजनेस, वो आपके सीधा रेजिडेंस तक पहुंचती है, ठीक है ना। कलेक्टर मतलब आर्टीरियल से जो इन दोनों के बीच का कनेक्शन हो, दैट इज़ कलेक्टर। तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। इनकी स्पीड भी वही होती है, ऐसे ऐसे डिक्रीज होती रहती है, डिज़ाइन स्पीड्स जो होती हैं, जैसे इसकी 100 है तो 80, 60, 40 कुछ उस टाइप की। इसके बाद अपना टॉपिक आता है ट्रैफिक इंटरसेक्शन। सो ट्रैफिक इंटरसेक्शन दो टाइप से होते हैं, एक तो ग्रेड इंटरसेक्शन और एक होता है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। मीन्स एक तो सेम लेवल पे इंटरसेक्शन होते हैं, एक लेवल ऊपर नीचे हो तब इंटरसेक्शन होते हैं, ये दोनों हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे सेम ग्रेड लेवल पे जब इंटरसेक्शन होते हैं तब क्या क्या होता है। तो जब दो रोड आपस में ऐसे मिलती है तो उसे कहते हैं सीजर इंटरसेक्शन, ठीक है। टू लेन रोड मतलब, ठीक है ना, ये एक ऐसे आ रही है, इधर से जा रही है, किधर से आ रही है, इसको सीजर कहते हैं। ऐसे मिलती है जब 90 का एंगल, तो देन इट इज़ नोन एज क्रॉस। स्टैगर्ड स्क्यूड एंड स्टैगर्ड, दिस इज मल्टी। ये चार पांच इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है कन्फ्लिक्टिंग, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कन्फ्लिक्टिंग जानना किसी उसमें इन सब में कितने कन्फ्लिक्ट्स हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। कन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है इंटरसेक्शन में, वो सब कुछ। तो कन्फ्लिक्टिंग तीन टाइप्स के होते हैं हमारे, क्रॉसिंग, मर्जिंग और डाइवर्जिंग। सबसे पहले देखते हैं क्रॉसिंग। क्रॉसिंग कन्फ्लिक्टिंग में क्या है कि भाई आपकी ये जा रही है एक नॉर्मल रोड है, लेकिन अगर इसी नॉर्मल रोड में हम ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, अगर इसी नॉर्मल रोड में ये ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, इस वाले को ये क्रॉस करेगा,
ये साइड से ठोक देगा। तो याद रखने का तरीका क्या है क्रॉसिंग में, जब गाड़ी को बंदा प्लान में बता रहा हूँ अभी मैं, ये आपकी गाड़ी है, जब गाड़ी को बंदा साइड से ठोकता है ना तो मतलब क्रॉसिंग होती है। ठीक है, ये इसकी हेडलाइट मान लो, जब गाड़ी को बंदा साइड से ठोकता है देन इट इज़ क्रॉसिंग। मीन्स आप देख रहे हो ये ऐसे जा रहा है और इसको साइड से मार रहा है तो क्रॉसिंग हो रही है। देन होता है मर्जिंग। मर्जिंग में क्या है कि सेकेंड, मर्जिंग में ये गाड़ी आपकी जा रही है, ये अब ऐसे नॉर्मल चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मल राइट हैंड को मुड़ जाएगी। लेकिन अगर इसी मर्जिंग में ये कर दें कि हम ये गाड़ी ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है और ये इधर से आ रही है एक गाड़ी और, तो ये इसके साथ भिड़ेगी, तो उसको कहते हैं मर्जिंग कन्फ्लिक्टिंग। तो मतलब क्या है, मतलब जब आपकी गाड़ी को कोई पीछे से ठोके तो समझो मर्जिंग हो रही है, ठीक है ना, पीछे से या हम ऐसे एंगल पे मुड़ रहे हो तो कोई एंगल पे ऐसे आके ठोक दे तब आपकी मर्जिंग हो रही है। देन थर्ड लास्ट इज डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का सिंपल सा फंडा है, आप जा रहे हो, मतलब सिंपल सा है कि जब आप गाड़ी जा रही होती है एक तो सीधा रास्ता होता है, इधर मुड़ने लग जाते हैं लोग, तब दिक्कत होती है कि भाई हमारे आगे से जाने लग जाते हैं, उसको केस को कहते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, बस याद करने के तरीके हैं कि पीछे से ठोके आगे से ठोके, मेन तो आपको फंडा याद रखना है, ऐसे जा रहे हो और एकदम से कोई इधर से आ रहे हो तो क्रॉसिंग, ऐसे जा रहे हो और कोई मर्जिंग, मतलब दो ट्रैफिक आके मिल रहे हो, यहाँ पे दो ट्रैफिक मिल रहे हैं ना तो दैट इज मर्जिंग। इसमें से एक में से दो ट्रैफिक निकल रहे हैं, एक इधर जाएगी गाड़ी एक इधर जाएगी तो दिक्कत हो सकती है, तो देन इट इज़ नोन एज डाइवर्जिंग। तो इसका यूज़ क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सपोज़ आपको एक पूछा जाए कि फोर लेग क्रॉस सेक्शन में या फोर लेग इंटरसेक्शन में कितने क्रॉसिंग मर्जिंग डाइवर्जिंग या टोटल कन्फ्लिक्टिंग कितने हैं, तो कैसे निकालोगे आप? इसके लिए फोर लेग बनाया हमने, सिंपल सा है। सबसे पहले क्रॉसिंग देखते हैं कैसे होगा, आपकी ये गाड़ी जा रही है तो इसके इसमें हम क्या करते हैं, एक का निकालते हैं बाकी चारों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपकी गाड़ी ये गई, इसको कितने बंदे हैं जो साइड से ठोक सकते हैं, मैंने बताया ना साइड से ठोकने के लिए, एक तो ये बंदा ठोक सकता है इसको, ये वाला बंदा ठोक सकता है साइड से, ठीक है, एक ये वाला बंदा ठोक सकता है साइड से, तो इसको तो ये ऐसे जा रहा है, ये ठोकेगा एक ये ठोकेगा और हाँ ये गाड़ी इस ये ऐसे भी तो जा सकती है ना, ये गाड़ी ऐसे भी जा सकती है, ठीक है ना, ये तो हमें पता ही है। तो अभी हम देखेंगे साइड से कौन कौन ठोक सकता है, ये ऐसे जाएगी तो इसको ये पीछे से ठोकेगा, साइड से नहीं ठोकेगा, हम अभी नहीं ले रहे इसको क्रॉसिंग, इसको अभी नहीं ले रहे, ये ऐसे जाएगा तो इसको ये साइड से ठोकेगा, वही ये सही है एक, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, गोले से हम क्रॉसिंग दिखाएंगे, ठीक है, ये इधर जाएगा तो एक ये दो, ठीक है, और एक ये ऐसे जाएगा तो एक ये तीन, एक दो कितने हो गए, ये एक तो ये ठोकेगा, ये ठोकेगा,
ये वाला बंदा भी इधर जाएगा, लेकिन डाइवर्जिंग हो रहा है, मतलब मर्जिंग हो रहा है, एक सेकंड। ठीक, इसको क्या करता हूँ, ये इधर जाएगा, इनको करने का तरीका क्या होता है कि जो तुम्हारा मेन बंदा है ना, वो तो टेढ़ा मेढ़ा भी चल सकता है, ठीक है, वो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, लेकिन बाकी सारे सीधे चलेंगे, ठीक है। तो ये वाला पाथ मत लेना, क्योंकि ये बाकी है, बाकी में आता है ये वाला पाथ नहीं आएगा। तो इसमें क्या होगा, एक ये ठोकेगा इसको, एक ये ठोकेगा, एक ये टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है क्योंकि ये मेन बंदा है, इसको हमने आज़ादी दे दी है, ये ऐसे जाएगा, इसको ये ठोकेगा, और ये सीधा जाएगा, तो ये दो बार ठोकेगा इसको, एक तो इसकी इसमें भी, इस पाथ को अगर मैं यहाँ से लूँ, ठीक है ना, तो यहाँ भी ठोकेगा और यहाँ भी ठोकेगा, अगर ये सीधा जाएगा तो भी ठोकेगा, ऐसे जाएगा तो भी ठोकेगा, तो ये हो गए चार, और ये कितने, एक दो तीन चार, तो 4 × 4 = 16, तो 16 क्रॉसिंग हमारी कन्फ्लिक्टिंग आती है, ठीक है। ये चार मैंने शो कर दिए, अब देखते हैं हम मर्जिंग, मर्जिंग को हम इससे ट्रायंगल से दिखाते हैं, ठीक है। मर्जिंग में क्या है, एक तो ये ऐसे मुड़ेगा, तो ये इसमें जाके मर्ज होगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये इसमें आके मर्ज होगा, ठीक है, ये होगी दो मर्जिंग। अब ये मत कहना कि ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे भी जाके मर्ज होगा, मैंने कहा ना ये हमेशा सीधे चलेंगे, एक हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा जो मेन है हमारा, बाकी सारे सीधे चलेंगे, तो ये ऐसे जाएगा ये सीधे चलेगा, ये ऐसे जाएगा ये सीधे चलेगा, मर्जिंग, इसकी मर्जिंग इसमें नहीं हो सकती, ये यू टर्न नहीं लेगा, मतलब यू टर्न अलाउ नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये 2 × 4 = 8, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग को चलो स्टार बना दिया हमने, एक तो ये डाइवर्जिंग यहाँ से अलग, मीन्स इसमें क्या है, इसमें दो डाइवर्जिंग है, इसको अगर मैं जूम करूँ तो एक तो ये सीधा जाएगा, एक यहाँ तो डाइवर्जिंग, एक यहाँ तो डाइवर्जिंग, ठीक है ना, मतलब यहाँ की गाड़ी यहाँ जाएगी तो दिक्कत आएगी आगे पीछे में इंडिकेटर देने में, यहाँ की गाड़ी यहाँ जाएगी तो इंडिकेटर देने में दिक्कत आएगी, तो दो डाइवर्जिंग, 2 × 4 = 8, तो ये टोटल हो गए 32। सो याद रखना, फोर क्रॉस सेक्शन में 32 होते हैं कन्फ्लिक्टिंग, टोटल कन्फ्लिक्टिंग, इसमें से डिवीज़न ही है, क्रॉसिंग में 16, मर्जिंग में 8, डाइवर्जिंग में 8, ये हो गया 4 लेग क्रॉस सेक्शन। अब 2 लेग इंटरसेक्शन में देखें क्या होगा, 2 लेग मतलब ये ऐसे, तो 2 लेग में क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये तो इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग कितनी हो रही है, दैट इज 0, क्योंकि कोई भी किसी को ठोकेगा नहीं, ये अपना आके इधर चला जाएगा, ये अपना आके इधर चला जाएगा, और कोई रास्ता है नहीं, यू टर्न अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो 2 लेग इंटरसेक्शन में 0 कन्फ्लिक्टिंग होते हैं। 3 लेग में देखते हैं, सो 3 लेग में किसी को भी पकड़ सकते हो आप, कहीं भी इसको पकड़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रॉसिंग कितना करेगा, क्रॉसिंग ये गया ऐसे, एक तो ये इधर जाएगा, अच्छा ये इधर रास्ता, ये इधर, इसको मैंने मेन बनाया, मेन राजा, तो एक तो ये रास्ता इधर जाएगा, एक ये इधर जा सकता है, ठीक है। सो क्रॉसिंग है इसकी, जब ये इधर जाएगा तब ये इसको ठोक सकता है, तो क्रॉसिंग होगी इसकी 1, ठीक है, तो 1 × 3 = 3, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये तो इसमें मर्ज होगा, क्रॉसिंग नहीं है, ये इधर जाएगा तो ये इधर नहीं जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये सीधे चलेंगे हमेशा, ठीक है, तो क्रॉसिंग होगी 1। देन आता है हमारा मर्जिंग, मर्जिंग ये इसमें घुसेगा तो मर्ज होगा,
ये इधर जाएगा एक मार्जिन, इधर जाएगा दो मार्जिन, इसमें टोटल नंबर ऑफ मार्जिन मार्जिन निकाल लो, ठीक है ना। ये इधर आएगा और ये इसमें आएगा, तो थ्री मार्जिन। ये मतलब अभी मैंने दूसरा कंसीडर किया, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप एक का निकालोगे ना, मतलब एक ये गया एक ये गया, और आप इसको टू इंटू थ्री कर दोगे तो सिक्स हो जाएगा, जबकि इसका आंसर वैसे है थ्री। ये क्यों है? क्योंकि एक ये गया मर्जिंग, एक ये गया मर्जिंग, ये एक तो सिमेट्री नहीं है, इसलिए इसमें ये ऐसा हो रहा है, इंटू नहीं कर सकते हैं। ये गया मर्जिंग, ये गया एक मर्जिंग, एक ये गया मर्जिंग, इसके अलावा कोई भी मर्जिंग नहीं हो सकता, क्योंकि ये सीधा जाएगा ये इधर, तो ये हमने कंसिडर कर लिया है। ये सीधा जाएगा ये इधर, ये अभी हमने कंसिडर कर लिया, ये तो तीन मर्जिंग हो सकती है सिर्फ, ये इसके अलावा कहीं मर्जिंग नहीं हो सकती, ठीक है। एंड सेम केस डाइवर्जिंग में भी होगा, ठीक है ना। एक ये डाइवर्जिंग मीन्स इसमें भी वही तीन केस मान लो अपने आप में, ठीक है ना, कि एक ये डाइवर्जिंग, एक ये डाइवर्जिंग मान लो, अगर ये सीधा जा रहा है तो इसकी डाइवर्जिंग क्या होगी, इसकी मतलब एक मेन लेंथ मान लो, क्योंकि ये सीधा तो जा नहीं सकता, मान लो ये इधर जाता हमेशा, तो ये इसकी डाइवर्जिंग हो गई, ठीक है ना। मतलब इसके पास सिर्फ दो ही हैं, एक ये ऑप्शन है एक ये ऑप्शन है, तो एक तो हमेशा मेन होता ही है रास्ता, दूसरा डाइवर्जिंग कहलाता है ना। जैसे इसका मेन रास्ता ये है, ये इसका डाइवर्जिंग है, तो ये मान लो कोई सा भी इसका एक मेन रास्ता माना, दूसरा डाइवर्जिंग, तो ये भी 1:3, 3:9। सो थ्री लैग इंटरसेक्शन में तीन 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 और नाइन टोटल कन्फ्लिक्टिंग्स होते हैं। सो इसी के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टैगर्ड की बात करें, अगर हम स्टैगर्ड कैसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, तो नाइन इधर नाइन इधर, तो टोटल 18 कन्फ्लिक्टिंग्स हो गए, ठीक है। सो 0, 9, 18, 32, 32, ये सब कुछ याद रखना कैसे हो रहे हैं। एंड ये तो अभी मैंने आपको 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये अगर वो है मान लो, सीधा आंसर बता रहा हूँ, 3, 4, 5, थ्री लैग लैग इंटरसेक्शन मान लो, थ्री लैग इंटरसेक्शन है, तो ये 3, 3, 3, टोटल 9। ये मान लो वो क्रॉसिंग, मर्जिंग, डाइवर्जिंग, टोटल कन्फ्लिक्टिंग्स, दिस इज 16, 8, 8, 8, ये हमने अभी देखा 32, ये 49, 15, 15, 79, इसका सिर्फ ये याद रख लेना, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं आएंगे। 124, 24, 24, 172, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, टोटल ये होते हैं, ठीक है। टेक अ ब्रेक।